हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयूर है। तो आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मयूर YT पे स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में ऑटोकैड 2D ड्राइंग की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ऑटोकैड के ओवरव्यू और कुछ इनिशियल सेटिंग के बारे में बात किया था, तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आज कमांड लाइन और रिबन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कमांड लाइन। आपको ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, इसको हम कमांड लाइन बोलते हैं। यहाँ पे हमारी सारी कमांड जाती है, जैसे कि सर्कल का सी लिख दिया तो ये सारी सी से जितने भी कमांड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर लाइन में जैसे लाइन का एल लिखते हैं तो एल से जितनी भी कमांड होंगी वो सारी सारी यहाँ पे आ जाएगी, जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारी कमांड लाइन। हम इसको यहाँ से ड्रैग और मूव भी कर सकते हैं, जहाँ भी मूव करना रहा। और अगर हमको ये नहीं चाहिए, हमारी सारी कमांड जैसे कि हमने ऑन करके कर्सर की बाजू में ला लिया था और ये हमारी जगह खा रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए सीधा यहाँ से क्लोज कर दो। यस, कंट्रोल लाइन बता रहा है वापस लाने के लिए, यस कर देना। और अगर हमको वापस चाहिए तो फिर से टाइप करना कमांड, ये कमांड लाइन, और ये वापस आ जाएगा। तो ये था हमारी कमांड लाइन, जहाँ पर हम सारी कमांड देंगे ऑटोकैड में। नेक्स्ट है रिबन। आपको ये जो ऊपर में होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, ये जो जितना भी आपको सेक्शन दिख रहा है, इसको हम ऑटोकैड में रिबन बोलते हैं। ये यहाँ पे सारी आपकी कमांड दी होती है। हम इस रिबन को क्लोज और वापस से भी ला सकते हैं। इसको अगर हमको ये रिबन नहीं चाहिए यहाँ पे, तो सिंपली कमांड लाइन में टाइप करो रिबन, रिबन क्लोज और एंटर। तो हमारी कमांड लाइन यहाँ से गायब हो गई, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलती है। जब भी हमारा कोई हेवी वर्क होता है तो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और उसी को वापस लाने के लिए फिर से कमांड लाइन में लिखो रिबन और एंटर, तो आपकी रिबन वापस से आ जाएगी। तो चलिए हम इस रिबन के बारे में फुल डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जिसमें कि हमको मैक्सिममली ये चार काम पड़ते हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट और आउटपुट। ये चार हमको मेनली ज़्यादातर काम पड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट है होम। अब होम में हमको कुछ बेसिक 2D ड्राइंग की कमांड दी गई है, जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स। अगर आप ये डाउनवर्ड इस पर क्लिक करते हैं एरो पे, तो यहाँ पे और आपको कुछ कमांड दे दी गई है, जैसे कि मल्टी पॉइंट, ये डिवाइड, ये कंस्ट्रक्शन लाइन, ये रे, ये आपको कुछ कमांड दी गई जो कि हमारे ड्राइंग के समय में काम आएंगी। नेक्स्ट है मॉडिफाई। होम में ही ड्रॉ के बाद ये मॉडिफाई। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि हम इसकी मदद से अपनी ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मूव करना होगा तो मूव कमांड, कॉपी करना होगा सेम ऑब्जेक्ट का तो कॉपी, उसका मिरर निकालना होगा जैसे मिरर इमेज निकालना होता है तो फिर ये मिरर, ट्रिम, फिलेट, ये सब सारी कमांड यहाँ पे आती है। सिमिलरली यहाँ पे भी डाउनवर्ड एरो दिया है, यहाँ पे भी कुछ और एक्स्ट्रा के कमांड्स है, जिससे आप ये रिवर्स हो गया, ज्वाइन हो गया, कोई दो ऑब्जेक्ट है उसको ज्वाइन करना दो लाइन को, तो वो हम वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनोटेशन। ये हमारा सारा डायमेंशनिंग के टाइम काम आता है। इससे हम हमारे डायमेंशन की टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उसका चेंज जैसे कि अलाइन है, लीनियर है, एंगुलर है, रेडियस देना है, ये सारी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेयर्स। लेयर्स हमको ये ज़्यादातर 3D में काम आता है, 2D में उतना वर्क नहीं होता है इसका, लेकिन कभी कभी काम पड़ जाता है। जैसे एक के ऊपर एक दो ड्राइंग बनानी रहेगी हमको कभी,
तो उसमें काम आता है। इसका 2D में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब होम के बाद है इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें कि मेनली हमको इससे काम पड़ता है इंपोर्ट PDF। जैसे कि अगर हमारे पास कोई PDF हो तो हम यहाँ से इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, और कोई दूसरी अगर फाइल हो तो आप वो भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का यही फायदा है कि जब भी हम कोई जैसे इमेज वगैरह होगी उसकी लाइन डायग्राम निकालने लगे तो सिंपली इमेज डालेंगे और उसके सीधी सीधी ऐसे लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट के बाद एनोटेट। एनोटेट ये एनोटेशन का डिटेल पार्ट है, जहाँ पे हम डायमेंशनिंग का फुल डिटेल में कर सकते हैं। ये हमारा सारा का सारा दिया हुआ है ISO, हमको कौन सी तरफ का स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना है डायमेंशन के लिए, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज यहाँ से कर सकते हो आप, और ये टेक्स्ट का फॉर्मेट, तो ये सारा एनोटेशन में है, एनोटेट में आएगा ये। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आउटपुट। आउटपुट हम यहाँ से अपनी जो भी ड्राइंग है इसको आउटपुट में ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमको किसी को शेयर करना हो तो हम सिंपली यहाँ से PDF में शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF करके या तो फिर DWF करके। आप यहाँ से पेज सेटअप भी कर सकते हो, आपका पेज कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले आपको सिर्फ इमेज चाहिए या फुल विंडोज़ का चाहिए, पूरा विंडोज़ का चाहिए आउटपुट में, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ था रिबन और कमांड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।